Hey guys, good morning. So guys, सुबह हो चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30. Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. So guys, आज का जो दिन है वो है सैटरडे. और तो गाइज आज का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देती हूँ. आज क्या है ना, आउच मच्छर. तो गाइज आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है. आज मुझे जाना है भाभी के घर, क्योंकि आज भाभी के घर पे ओजस का अन्नप्राशन है और थोड़ी सी कथा भी होगी उससे पहले. मतलब थोड़ी सी क्या, मतलब कथा होगी, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होगा ओजस का. तो बस अभी निकलना है मुझे. टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, समथिंग 1-1.5 घंटे में मुझे निकलना है. तो चलो गाइज, मैं अपने घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ. मतलब स्नान वगैरह करके, पूजा करके, तो चलो फिर चलती हूँ मैं. तो गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकल रही हूँ भाभी के घर के लिए. और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आई थिंक. मतलब वहाँ पर कथा भी होने लगी होगी और मैं अभी तक पहुँची भी नहीं हूँ वहाँ पर. तो फिर बस मैं अभी जा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है. तो चलो गाइस चलते हैं. काफ़ी ज़्यादा भाभी ने फ़ोन भी कर लिया है और अभी तक मैं निकली नहीं हूँ. काफ़ी सारे लोग आ गए हैं यार, देखो बाइक वगैरह खड़ी हैं. और मैं तो अभी पहुँच, हम भी पहुँच गई हैं बट मैं नहीं पहुँची थी. अब तो चलिए गाइस चलते हैं, काफ़ी सारी भीड़ आ गई है मुझे लग रहा है. चलो देखते हैं. चलो देखो कितने सारे बच्चे आ गए हैं, है ना. ये तो मौसी है, है? और ये भी मौसी है, और ये भी मौसी है, छोटी मौसी, और ये मौसी है बुआ. हम लोग बुआ है, हम बुआ. और एक ये देखो, एक ब्यूटीफुल सी बुआ बैठी है. ये सबसे बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली नहीं है, मैरिड है बस. और मेरा शोना कहाँ है, मेरा शोना कहाँ है. चलो शोना, आज से बाबू को क्या, आज से बाबू सब कुछ खाने लगेगा, है ना. अब खिलौने नहीं खाएगा, अब तो खाना खाया करेगा, है ना. आज बाबू सब खाने लगेगा, चॉकलेट भी खाने लगेगा थोड़ा थोड़ा, है ना. अरे हंस दो थोड़ा सा, हंस दो शोना, शोना हंस दो. यदा वे संसद भवेत, जब हमारे कोई संतान होगी तब कहेंगे पहले ने अंधविश्वास नहीं, मंद भक्त नहीं है. ये जैसे कहा भक्तों इसका हम भाभी की तो लंका लगी पड़ी है. भाभी तो बस काम कर रही हैं, गर्मी. सही है भाई, तो आज तो भाभी दिन भर सारा दिन काम करती रही हैं और कर रही हैं, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है. जितने सारे लोग आपने बाहर देखे हैं अभी और आने वाले हैं, तो सोचो सारा खाना ही भाभी बना रही हैं. द ग्रेट भाभी. तो गाइस इतना सारा पनीर भाभी अकेले बना रही हैं और बाकी 2-3 आइटम बन चुके हैं. और ये क्या है, मटर पनीर बन रहा है ना भाभी, है ना. हाँ, बाकी वहाँ चूल्हे पे देसी स्टाइल में बन रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना. हाँ देखो एक साथ भाभी कैसे सारा कुछ हैंडल कर रही हैं. और ये देखिए, ये पनीर रखा है इतना सारा, पूछो ही मत क्या हालत हो गई है. खूबसूरत लग रही हूँ आज, ग्रीन ग्रीन सब अच्छी आ रही, भाभी अच्छी आ रही. तो वो दिख नहीं रहा है, पता है इसमें कुछ दिख नहीं रहा है. भाभी हो तो ऐसी हो, सबकी भाभी भगवान करे ऐसी हो, काश हम भी ऐसे होते, काश. तो गाइस भाभी तो अभी अपनी कुकिंग संभाल रही हैं, हम जाते हैं उधर बाबू को देखते हैं. भाभी तो अपना सारा यार बहुत सारा काम करना है उनको, हम उनको डिस्टर्ब भी करेंगे यहाँ पे खड़े होके. तो ठीक है भाभी हम जा रहे हैं. ओके वो देखो गाइस, मम्मी भी बैठी हैं, पंडित जी बैठे हैं, आंटी अंकल पूजा पे बैठे हैं और कथा चल रही है. बुआ लाला, बुआ क्यों गल्ला बाबू, कुछ नहीं गल्ला. आज बहुत गर्मी होगी भाई सोना, और सोना को गर्मी भी लग रही है, निन्नी भी आ रही होगी, है ना.
तो गाइस देखिए, पहली बार मैंने ओजस को सुलाया है अपनी गोद में और वो सो भी गया है। बहुत कठिन होता है छोटे बच्चों को सुलाना। तो गाइस अभी वो सो गया है। तो सुशील अभी सबको प्रसाद बांट रहा है। धुआं धुआं हो गया है घर में। तो भाभी शेक रही हैं, है ना। हम भी ले चुके। वो कैसा लग रहा है भाभी आपको इतना सारा काम करने के बाद ये चरणामृत पीने के बाद? बहुत अच्छा, पी लो यार। तो गाइज अभी ना सत्यनारायण की जो कथा हुई थी वो हो चुकी है फिनिश। और ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सारा कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये सब सजावट और ये सब। और वैसे भी पूजा होने के बाद घर में बहुत ज़्यादा शुद्धता हो जाती है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है एकदम। और इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है। हवन है यहाँ पे, ये हवन हुआ है। ये देखो ये बुक रखी है। और भैया अभी सारा सामान हटा रहे हैं, समेट रहे हैं, थोड़ा बहुत है ना जो फैल गया है। बिट्टा आज बाकी भैया देखो शर्व करने के लिए बैठे हैं। मस्त है सुशील, कैसा है? मतलब हाँ बस ऐसे बस उसको थोड़ा सा खिलाना भाई, आज से बस खाना चालू हो जाएगा। कैसा है खाने में? ओहो रोशनी चली गई। ये भाई आज फर्स्ट टाइम बाबू खा रहा है खीर। सुन आज खीर खा रहा है, इतनी अच्छी लग रही भाई। ओहो अरे भाई वाह भाई, लाला तो खूब अच्छे से खा रहा है। हाँ और थोड़ा मीठा है ना तो खा रहा है वो, इसलिए खाए जाओ इतना अच्छा लग रहा है खाने में। हाँ बीबू आज फाइनल होगी इनकी अन्नप्राशन। पानी पी लो। पैसे नहीं खाए जाते बाबू, सोना ने खीर खा ली। तेरा चा पानी पी लो जी। बात ओ बेटे सब पता है के जी पानी पिया जाता। अरे वाह तो मैं बहुत याद कर ये देखो पानी पी रहा सोना। ओ भाई गुड बॉय, सब पी जाओ। तो गाइज अभी आ चुकी हूँ मैं अपने घर और अभी जा रही हूँ मैं बस चेंज करने के लिए, क्योंकि गाइज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा। ऊपर से अगर फंक्शन में जाओ ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और आज गर्मी है भी यार काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जा रही हूँ मैं बस चेंज करने के लिए, फिर चेंज करने के बाद मैं करूँगी एडिटिंग। तो लंच तो आज हमने भाभी के घर पर ही कर लिया था, तो फिर अभी ना बस एडिटिंग कर लेती हूँ मैं। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4:30 हो गया है टाइम, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी टाइम। ये देखिए गाइस टाइम हो चुका है 4:34। तो अभी जल्दी से मैं ना चेंज कर लेती हूँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी लग रही है, क्या ही बताऊँ। घर और ओजस का अन्नप्राशन संस्कार कंप्लीट हो गया है, तो आज से बाबू थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देगा, मतलब हल्का फुल्का उसको खिलाया जाने लगेगा जैसे छोटे बच्चों को खिलाया जाने लगता है ना। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे, काफ़ी मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पर मज़े किए। तो आज फिर हम लोग खाने जा रहे हैं भुट्टा। और ये देखो मम्मी सेक रही हैं, और आज मम्मी ने पहनी है, आज नहीं मतलब पहनी है 2-3 दिन पहले, ये हरी हरी चूड़ियाँ सावन में। तो हमारे यहाँ लोग सावन में हरी चूड़ियाँ हरे कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं,
तो चलो एक सीक गई है, अब मेरी वाली भी रख दो कांगी। तो गाइज अभी डिनर कर लिया है मैंने और रात के बज चुके हैं 11:30, आप देख सकते हो, है ना चैनल। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।